खबर जांजगीर चांपा से है, जहां शिक्षा के अधिकार के तहत आरटीई की राशि मयूर कॉन्वेंट स्कूल बलोदा को 72 लाख दिया जाना था। वहीं उक्त राशि को जिला शिक्षा अधिकारी के दो बाबू के साथ मिलकर 72 लाख रुपए के भुगतान कर पा लिया गया। इसके बाद मामला को 3 साल हो जाने के बाद वर्तमान में पदस्थ एचआर सोम जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में आने पर विभाग के दो लिपिक को निलंबित कर दिए। वहीं कर्मचारी संघ के लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी को कार्यवाही करने से नाराज होकर डीओ ऑफिस में धरना देते हुए डीईओ को धमकाने और ऑफिस को ताला लगाने की कोशिश की गई, जहां वर्तमान पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी ने आबकारी विभाग में जाकर अपनी जान बचाई। वहीं पुलिस ने संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग में पदस्थ लिपिक शिवानंद राठौर और विकास साहू के साथ मयूर स्कूल के संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण जो है 17-19 बीच का है। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्राइवेट विद्यालय को विद्यालय शुल्क की प्रतिपूर्ति दिया जाना था। हाँ, ये भी विद्यालय जो है मयूरा कॉन्वेंट विद्यालय बड़ौदा विकासखंड में स्थित है। इनकी प्रतिपूर्ति राशि जो है 7 लाख के समथिंग थी और 7 लाख की जगह जो है इनको 72 लाख भुगतान कर दिया गया। ये कोरोना काल के समय का है, मैं गंभीर रूप से बीमार था और हमारे खाते में 7 लाख समथिंग आना था, वो गलती से 72 लाख आ गया था लिपिकी जिला शिक्षा अधिकारी के लिपिकी भूल के कारण। और जब हम लोगों को पता चला, बताया गया 4-6 महीने बाद, तो हम लोगों ने 30 लाख रुपए वापस कर दिए। शेष राशि टीचरों के वेतन, चूँकि कोरोना काल था, फीस आ नहीं रहा था, शिक्षकों को 6-6, 7-7 एक एक साल तनख्वाह नहीं मिला था, तो उसी में से हमने तनख्वाह प्रदान कर दिया था। जिला शिक्षा अधिकारी जिला जांजगीर चांपा के द्वारा थाना जांजगीर में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि मयूरा कॉन्वेंट स्कूल बलौदा के संचालक राजेंद्र मौर्य और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ शिवानंद राठौर सहायक ग्रेड टू और कंप्यूटर ऑपरेटर विकास कुमार साहू के द्वारा जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत भुगतान किए जाने वाली राशि होती है, उसका जो मांग पत्र है, जो पात्रता की राशि है, उसमें काट छांट कर राशि का बेईमानी पूर्वक गबन करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज किया गया।